हेलो वैन वेलकम टू कॉन्सेप्टीडिया एवियन फ्लू एक खतरनाक वायरल इन्फेक्शन जो कि अतीत में हजारों इंसानों को मार चुका है पेंडेमिक के बाद एक उभरता हुआ खतरा बन के हम लोगों के बीच में खड़ा है आज हमारे देश में दस राज्यों में हजारों बर्ड इसके चपेट में आ चुका है ये एवियन फ्लू क्या होता है ये हम लोग के लिए कितना खतरा बन सकता है हम लोग इससे कैसे बचे इसी सवालों का उत्तर हम लोग ये वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे आइए हम लोग बर्ड फ्लू को जानने से पहले ये जानते हैं कि एवियन फ्लू क्या होता है क्योंकि बर्ड फ्लू एवियन फ्लू का ही एक टाइप है एवियन फ्लू एक टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि इंसान और दूसरे जानवर जैसे कि बर्ड पिग हॉर्स बैट डॉग के अंदर में रेस्पिरेटरी डिजीज पैदा करता है दुनिया में बहुत तरह का एवियन फ्लू वायरस होता है जिसको हम लोग जनरली एच एन टाइप वायरस बोल सकते हैं उदाहरण के लिए एच वन एन वन एच टू एन टू एच थ्री एन टू एच फाइव एन ऐट इत्यादि है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी को पैदा करता है जैसे कि बर्ड फ्लू जो कि प्राइमरली पक्षी के अंदर या बर्ड के अंदर मिलता है इक्वाइन फ्लू जो कि प्राइमरली घोड़ों के अंदर मिलता है कैनाइन फ्लू जो कि प्राइमरली डॉग्स के अंदर मिलता है एंड स्वाइन फ्लू जो कि प्राइमरली पिक्स के अंदर मिलता है नॉर्मली एवियन फ्लू इंसानों में नहीं फैलता है लेकिन अगर हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो हम लोग को ये पता चलेगा कि ये वायरस कभी कभी एनिमल से इंसानों में ट्रांसमिट हो जाता है कौन कौन सा वायरस कब कब इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मगर अगर ये वायरस इंसानों में ट्रांसमिट होता है तो ये देखा गया है कि इसका मॉर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई होता है अगर प्रिसाइसली देखा जाए तो इंसानों में इसका मॉर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 60 परसेंट होता है इंसानों में ये वायरस टच वाटर ड्रॉपलेट मतलब छीक या बॉडीली फ्लूड से ही फैल सकता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के तीन दिन बाद ये वायरस फ्लू सिम्टम्स दिखाना चालू कर देता है मगर कोरोना वायरस के ऑपोजिट ये वायरस अपना इनक्यूबेशन पीरियड मतलब आसान भाषा में जब यह वायरस फ्लू सिम्टम दिखाना चालू नहीं करता है तब दूसरा आदमी में भी नहीं फैलता है आइए देख लेते हैं इन्फ्लुएंसा वायरस कितने टाइप का होता है और कौन कौन से इन्फ्लुएंजा वायरस क्या क्या बीमारी पैदा करता है इन्फ्लुएंजा वायरस चार तरह का होता है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस या अल्फ़ा इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस या बीटा इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा टाइप सी वायरस या गामा इन्फ्लुएंजा वायरस और इन्फ्लुएंजा टाइप डी वायरस और डेल्टा इन्फ्लुएंजा वायरस इनमें से इन्फ्लुएंजा ए वायरस बर्ड्स स्तनधारी मतलब मैमल्स और इंसानों में मिलता है इन्फ्लुएंजा बी वायरस मिलता है इंसानों में और सील्स में इन्फ्लुएंजा सी वायरस पाया जाता है डॉग्स इंसान और पिग्स में और फाइनली इन्फ्लुएंजा डी वायरस जो मिलता है लाइफ स्टॉक जैसे पोल्ट्री मुर्गी और पिग्स में ये इन्फ्लुएंजा डी वायरस और डेल्टा इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों में नहीं पाया जाता है अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा बी वायरस या बीटा इन्फ्लुएंजा वायरस और इन्फ्लुएंजा सी वायरस या गामा इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों में बहुत रेयर है और इसका एंटीबॉडी इंसानों में बचपन से ही रेडी होता है मगर इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस का बहुत डिफरेंट सबटाइप्स मिलता है जिसमें से कुछ सब टाइप ओनली एनिमल और कुछ सब टाइप एनिमल के साथ साथ इंसानों में भी मिल जाता है जो सब टाइप एनिमल और बर्ड में से इंसानों में फैलता है वो है एच फाइव एन वन एच नाइन एन टू एच सेवन एन टू एच सेवन एन थ्री एच टेन एन सेवन एच टू एन टू एच थ्री एन टू एच वन एन वन एच वन एन टू एंड एच वन एन थ्री इनमें से कुछ सब टाइप पास्ट में पैंडेमिक भी क्रिएट किया है जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और जो सब टाइप खाली एनिमल और बर्ड्स में मिलता है इंसानों में नहीं मिलता है वो है एच फाइव एन वन एच थ्री एन एट एच सेवनटीन एन टेन और एच एन अभी तक जितना एच और एन का डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाला सब टाइप का नाम बोला गया है आइए जान लेते हैं उस सब टाइप का नोमिक्लेचर कैसे होता है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस में दो टाइप का सरफेस प्रोटीन होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में घुसने के बाद ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम के थ्रू रिकॉग्नाइज होता है और एंटीबॉडी जनरेशन को ट्रिगर करता है ये दो सरफेस प्रोटीन का नाम है हेमाग्लूटेनिन और न्यू हेमोग्लोटेनिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि वायरस को ह्यूमन बॉडी सेल में घुसने में हेल्प करता है और एंट्री करने में हेल्प करता है और न्यूरोमिनेडिस एक एंजाइम है जो कि वायरस को ह्यूमन बॉडी सेल से बाहर निकलने में या एग्जिट करने में हेल्प करता है ये हिमाग्लोटनिन को हम लोग शॉर्ट में एज बोलते हैं और न्यूरोडिस को शॉर्ट में एन बोला जाता है दुनिया में टोटल 18 टाइप ऑफ एज या हिमाग्लोटनिन और टोटल 11 टाइप ऑफ एन या न्यूरोमिनेटिस मिल जाता है जिसका कॉम्बिनेशन में टोटल 198 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप वायरस मिल सकता है लेकिन साइंटिस्ट लोग अभी भी टोटल 30 टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप को डिस्कवर कर पाया है इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस का सभी सब टाइप बर्ड्स या पक्षी में मिलता है बट जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं कि कुछ कुछ सब टाइप ही इंसानों में फैलता है जैसे एच अभी ये सब टाइप म्यूटेट होकर विलुप्त हो तो चुका है इसके बाद आता है H3N2। थ्री एन टू ये सब टाइप एच का म्यूटेटेड वर्शन है उसके बाद आता है H1N1, जिसको हम लोग बर्ड फ्लू वायरस के नाम से जानते हैं इसके बाद जो वायरस इंसानों में मिलता है वो है H3N2। ये सब सब टाइप का ट्रांसमिशन रेट बहुत ही हाई है जिसके लिए ये वायरस पास्ट में पेंडेमिक भी क्रिएट कर चुका है जैसे एच टू एन टू एच टू एन टू नाइनटीन फिफ्टी सेवन से फिफ्टी एट में सिंगापुर में एशियन फ्लू और एटीन नाइन में रशिया Russia में रशियन फ्लू क्रिएट किया था एस थ्री एन टू एस थ्री एन टू नाइनटीन सिक्सटी एट और सिक्सटी नाइन में हॉन्ग फ्लू क्रिएट किया था एच वन एन वन बहुत ही एक खतरनाक वायरस है जो कि पास्ट में पैंडेमिक भी क्रिएट कर चुका है 1918 में कुख्यात स्पेनिश फ्लू यही एच वन एन वन वायरस के लिए ही आया था जिसमें दुनिया भर में ऑलमोस्ट फाइव करोड़ आदमी का डेथ हो गया था 2009 में स्वाइन फ्लू यही ही एच वन एन वन वायरस ने क्रिएट किया था ये तीनों वायरस जैसे एच थ्री एन टू एच वन एन वन एंड एच वन एन टू वायरस को छोड़ के कुछ कुछ वायरस का सब टाइप को साइंटिस्ट लोग ये मानता है कि ये सब टाइप कुछ सर्टेन म्यूटेशन के बाद पेंडेमिक का पोटेंशियल रखता है जिसमें से एच जो 2013 में चाइना में एक एपिडेमिक क्रिएट किया है जिसमें 100 आदमी का डेथ हुआ था और हजार आदमी अफेक्टेड हुआ था एच जो कि 1997 में हांगकॉन्ग में पहला बार पाया गया था आइए देख लेते हैं बर्ड फ्लू एफेक्टेड बर्ड में क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है बर्ड फ्लू एफेक्टेड बर्ड में सबसे पहले फेदर या पंख डल हो सकता है उसके बाद उसका नेजल सिक्रेशन या नाक से पानी निकलना चालू हो सकता है या स्नीजिंग या छींकना देखने को मिल सकता है बर्ड का बॉडी का टेम्परेचर भी बड़ा हो सकता है या फाइनली जो बर्ड एफेक्टेड है वो बर्ड का डेथ भी हो सकता है अगर कोई बर्ड में ये सिम्टम्स मिलता है तो ये कन्फर्म नहीं होता है कि वो बर्ड एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू से संक्रमित है क्योंकि ऐसा सिम्टम रेमेरेला पेस्टिफाइल बैक्टीरिया से संक्रमित होने से भी बर्ड में देखा जा सकता है तो एवियन फ्लू से बर्ड संक्रमित हैं कि नहीं ये देखने के लिए हम लोग को बर्ड का सलाइबा सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज में या निसाद में जो कि भोपाल में स्थित है भेजना पड़ता है जहाँ आर टी टेस्ट के माध्यम से हम लोग को ये पता चलता है कि वो बर्ड एवियन फ्लू से अफेक्टेड है या नहीं है अगर कंफर्म होता है कि कोई बर्ड एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू से संक्रमित है तो वो बर्ड को बहुत जल्दी आइसोलेट कर देना चाहिए और वो बर्ड के साथ में कोई भी नया बर्ड इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए और वो बर्ड को जो एवियन फ्लू से अफेक्टेड है उसको ओपन एटमोस्फेयर में नहीं रखना चाहिए ताकि कोई बाहर का बर्ड आके वो बर्ड से ना मिले और एवियन फ्लू का इन्फेक्शन उसमें भी ना फैल जाए एक्चुअली एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू का वायरस माइग्रेटरी बर्ड से ही फैलता है और ये वायरस कुछ मात्रा में बर्ड का प्रैंक्रियास में मिलता है मगर अगर वायरस का कॉन्सेंट्रेशन सर्टेन लिमिट के बाहर हो जाए तो ये वायरस ट्रांसमिशन करना शुरू कर देता है माइग्रेटरी बर्ड का एक्सक्रेशन या मल से ही बर्ड फ्लू का वायरस फैलता है और ह्यूमन बॉडी में एंटर करने का जस्ट तीन दिन बाद ही ये वायरस फ्लू सिम्टम दिखाना चालू कर देता है आइए जानते हैं कि वायरस एंटर करने के बाद क्या क्या सिम्टम ह्यूमन बॉडी में देखा जा सकता है ह्यूमन बॉडी में रनी नोज या नाक से पानी बहना फीवर मतलब बुखार और बॉडी एक मतलब बदन दर्द भी हो सकता है आइए जानते हैं ये एवियन फ्लू के अगेंस्ट में हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू का प्रिकॉशन के लिए फुल कुक्ड फूड यानी पका हुआ खाना खाना चाहिए खाने से पहले हाथ प्रोपर्ली वॉश कर लेना चाहिए हाथ को प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए रॉ मीट को डायरेक्ट हाथ से पकड़ना नहीं चाहिए एग्स या अंडा या मीट को 70 डिग्री गर्म पानी में तीन मिनट उबालना चाहिए कोई भी बाहर का आदमी को फार्म में एंट्री नहीं देना चाहिए प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए कोई भी बर्ड्स को अपना घर के आसपास नहीं आने देना चाहिए बर्ड्स को खाना खिलाने टाइम या उसके बाद प्रॉपर प्रिकॉशन अप्लाई करना चाहिए और खाना खिलाने के बाद हाथ को प्रॉपरली वॉश कर लेना चाहिए अगर कोई टीम मरा हुआ पक्षी या डेड बर्ड को डिस्पोज करने जा रहा है तो वो टीम प्रॉपर पीपीई किट पहन के ये काम करे तो ही बेहतर है आइए जान लेते हैं कि इस बार का एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू वायरस सबसे पहले कहाँ से फैलना चालू हुआ 2020 का दिसंबर महीना का लास्ट वीक में हिमाचल प्रदेश का पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में माइग्रेटरी बर्ड का डेथ हो रहा था जांच के बाद पता चला कि उस बर्ड्स में H5N1 का स्ट्रेन मिला है इस घटने के बाद राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में पचपन मोर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में सौ कौवे के मरने का खबर आया जांच करने के बाद पता चला कि वहाँ पे एच फाइव एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन है इस एच फाइव एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन केरला का कोट्टम डिस्ट्रिक्ट में भी मिला है एच फाइव का स्ट्रेन मध्य प्रदेश का मांडासुर और हारदा डिस्ट्रिक्ट में भी मिला है दिल्ली के रेड फोर्ट एरिया में पंद्रह का मृत पाया गया और दिल्ली का जू एरिया में एक उल्लू या आउल को डेथ पाया गया दोनों का सलाइवा जांच करने के बाद पता चला कि ये सब बर्ड्स एवियन इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव था महाराष्ट्र के लातूर गढ़चिरौली सतारा नागपुर में भी एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन मिला है महाराष्ट्र की टोटल बर्ड डेथ काउंट पाँच है उत्तर प्रदेश पंजाब में भी एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन मिला है इंडिया में पांच ऐसा राज्य है जिसमें पोल्ट्री बर्ड में एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन मिला है और दस ऐसा राज्य है जिसमें कौवा माइग्रेटरी बर्ड और वाइल्ड बर्ड में एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन मिला है आइए देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने एवियन इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में क्या क्या स्टेप लिया है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है वहाँ अंडा या चिकन को सेल करना संपूर्ण रूप में प्रोहिबिट कर दिया गया है इसके अलावा वहाँ बर्ड को काटना या खरीद बेच करना उसको एक्सपोर्ट करना टोटली प्रोहिबिट कर दिया गया है केरला का एपी सेंटर का एक किलोमीटर रेडियस में हज़ारों बत्ख को कल या मारा जाएगा जिसके लिए आठ टीम बनाया गया है इसको छोड़ के केरला का चालीस हज़ार को कल किया जाएगा जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा एक्शन प्लान 2015 के मुताबिक है और उसके बाद उसका कर्कस मतलब मृत शरीर को जला दिया जाएगा और जो टीम ये सब काम कर रहा होगा उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दिया जाएगा इसके अलावा केरला का एपी सेंटर का 10 किलोमीटर पेरीफेरी में हर एक डोमेस्टिक बर्ड का सैम्पलिंग किया जाएगा छत्तीसगढ़ के बलोड डिस्ट्रिक्ट में एपी सेंटर का एक किलोमीटर के पेरीफेरी के अंदर जो भी पोल्ट्री बर्ड है उसको कल किया जा रहा है दिल्ली जू एरिया में बर्ड्स का बिहेवियर मॉनिटरिंग के लिए टीम भेजा गया है और बर्ड्स के ऊपर में लाइम सोडियम हाइप्रोक्लोराइट पोटेशियम परमागनेट स्प्रे किया जा रहा है और जू के अंदर आदमी का यह व्हीकल का आना जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है मध्य प्रदेश में कलिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और गोवा आसाम मणिपुर में बाहर स्टेट से पोल्ट्री प्रोडक्ट का एंट्री संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है हरियाणा का एपी सेंटर पंचकूला का चारों तरफ भी कलिंग ऑपरेशन कंटिन्यूड है महाराष्ट्र का पुणे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एफेक्टेड एरिया में बर्ड मॉनिटरिंग का काम चालू कर दिया गया है और मुंबई का कंटामिनेटेड एरिया में सैनिटाइजेशन का, का काम चालू कर दिया गया है तो ये था इस वीडियो का एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए स्वस्थ रहिए थैंक यू